पैशन का जलवा है, ये सितारों का मजमा है। भाई जब जब लाल कालीन यानी कि रेड कार्पेट बिछता है, मानो मजमा लग जाता है सितारों का और दिखता है तो बस पैशन का जलवा ऑन द रेड कार्पेट। की शाम बेशुमार मस्ती होगी, धमाल होगा और सितारे दिखाएंगे अपना अपना जलवा। स्टार स्क्रीन अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर लगा बॉलीवुड का तांता और बॉलीवुड के सितारों ने इस रेड कार्पेट पे ऐसी धूम मचाई कि सब देखते ही रह गए। मस्ती और धूम की बात छिड़ ही गई है तो आपको सबसे पहले मिलवाते हैं रणवीर सिंह से, जिन्होंने रेड कार्पेट पर आकर ऐसा माहौल जमाया कि सेलिब्रेशन वहीं से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले रणवीर सिंह को बाहों में उठा लिया सिद्धांत चतुर्वेदी ने। और सिद्धांत के बाद सारा अली खान के साथ भी रणवीर सिंह की मुलाकात हुई। और फिर क्या, सारा अली खान के साथ रेड कार्पेट पर ही रणवीर सिंह शुरू हो गए आंख मारे पर। का ये आंख मारे डांस देखकर स्टार स्क्रीन अवार्ड्स के शाम की धमाकेदार शुरुआत हुई। लेकिन अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो सारा खान ने पेस्टल ग्लू और ग्लिटरी वन पीस को अपना कॉस्ट्यूम ऑफ द डे चुना, तो वहीं रणवीर सिंह अपनी बीवी दीपिका पादुकोण को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आए। रणवीर सिंह और दीपिका दोनों ने ही ब्लैक को कलर ऑफ द नाइट चुना। अब रणवीर और दीपिका से नजर हटी तो हमें एक और जनाब ब्लैक को कलर ऑफ द नाइट बनाते हुए नजर आए। जी हाँ, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स के रेड कार्पेट को होस्ट कर रहे हैं रमन भल्ला यानी कि करण पटेल। और इस अवार्ड नाइट को होस्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। रेड कार्पेट होस्ट किया है, आई थिंक पहली बार स्टार स्क्रीन अवार्ड्स का, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू मीट जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, एंटरटेन करते हैं हमें, एंड उनके साथ हंसी मजाक गेम्स खेलना अपना ही मजा है उसका। स्टार स्क्रीन अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर एकदम रेड गाउन में नजर आई आमना शरीफ यानी कि आप सबकी प्यारी कोमलिका। एक्साइटेड फॉर दिस स्टार स्क्रीन अवार्ड्स एंड या इट फील्स ग्रेट टू बी हियर। अब करण के बाद हमें अंकिता लोखंडे भी नजर आई जो लगता है जल परी बनकर आई थी। पेस्टल ग्रीन के सीक्वेंस वाले गाउन में अंकिता बिल्कुल जल परी ही लग रही थी। ये आउटफिट जो है ये मिस्टर कलर करण मल्होत्रा का है और बहुत ही सुंदर आउटफिट है, थोड़ा इसे मर्मेड लुक दिया गया है। और बस अंकिता के बाद हमें नजर आई कृति सेनन जिन्होंने व्हाइट एंड पीच लॉन्ग ग्लिटरी गाउन पहना हुआ था।
और साथ ही साथ कृति सेनन के व्हाइट कलर को कॉम्प्लीमेंट करते नजर आए कार्तिक आर्यन जो ब्लैक टक्सीडो में पहुंचे थे। अब ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में तो हमें शाहिद कपूर भी नजर आए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ तो दैट इज समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट लिटिल नर्वस अबाउट और चुम्मा परफॉर्मेंस होने वाला है दैट्स ऑल आई कैन टेल यू एंड या दिस ईयर हैज गॉन वेरी वेल इट्स स्टार्टेड ऑफ रियली वेल एंड इट्स विद लुका छुपी एंड देन हाउसफुल डूइंग सो वेल एंड नाउ पानीपत गेटिंग द रिव्यूज दैट इट हैज so yeah 2019 has been very special and I'm really excited to be a part of Star Screen Awards ye pehli bar host kar raha hu yahan pe and I'm really looking forward to it and my performance thank you fantastic evening lots of great performances main thoda bahut host kar raha hu perform bhi kar raha hu so I'm looking forward to a great night jahan black and white ka silsila khatam hua wahi shuruaat hui golden glitters ki ji ha yami gautam bhumi pernekar hame dono hi ekdam golden pariyon ki taur par nazar aayi तो वहीं राधिका मदान ने ऑरेंज यानी कि समर कलर को अपना कलर ऑफ द नाइट चुना। Just gonna have fun. I think काफी टाइम बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ। I still remember my first walk जब मैं पहले स्क्रीन अवार्ड्स के लिए आई थी तो it was a lot of fun and I think I was more nervous at that time but I think now we just gonna have some fun, a great evening and to celebrate some good cinema. Audience ने इतना ज़्यादा प्यार दिया पति पत्नी और वो को और I think हम तीनों के characters को इतना प्यार दिया जैसे कि आप सब सुन सकते हैं हमारे किरदारों के नाम से ही हमें बुलाया जा रहा है and it's a very special year and the year is about to come to an end and I think मेरे career का सबसे हाई पॉइंट ईयर है ये इट्स लाइक द सीमेंटिंग ईयर ऑफ माय करियर सो या आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो मर्ज को दर्द नहीं होता काफ़ी कैटेगरीज में नॉमिनेटेड है सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट एंड स्टार के साथ यू नो बहुत स्पेशल जर्नी रही है बिकॉज मेरा पहला अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड था मेरे लिए जो बेस्ट डेब्यू का मुझे लास्ट ईयर मिला था रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट राधिका मदान के बाद किसी ने हमारा ध्यान खींचा तो वो था आयुष्मान खुराना के सिल्वर कलर के जैकेट ने जो इस शाम में सबसे हटकर लग रहा था यार पता नहीं किसका है बेस्ट एक्टर पर हाँ नॉमिनेशंस में हूँ और आर्टिकल 15 10 नॉमिनेशन है बाकी को पता नहीं कितने नॉमिनेशन है पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं तीन फिल्में की है इस साल आर्टिकल 15 बाला और ड्रीम गर्ल कुछ ना कुछ तो शायद मिलना चाहिए लेट्स सी आयुष्मान के बाद फिर एक बार सिलसिला शुरू हुआ ब्लैक कलर के वन पीस का जिसमें हमें सुरवीन चावला अनन्या पांडे ये नजर आए तो साथ ही साथ जितेंद्र भी नजर आए ब्लैक सूट में और फिर क्या ब्लैक के बाद ब्लैक को अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट करता है तो फिर से बारी आई वाइट की जिसमें हमें तापसी पन्नू नजर आई Well, I think it's always fun and great to do work that's exciting and surprising for your audiences and viewers, and that's the reason you're here. That's the reason you do what you do. Yeah, yeah. No, I mean this year I couldn't have asked for a better year, and it's just been the biggest deal for me to even be a part of an award function as an actor for the first time. I'm nominated. That's such a big deal for me. So I'm very blessed, and I hope 2020 is bigger and better. I hope 2020 के लिए pressure अब ज़्यादा है मेरे पे कि वो अब इससे better करके दिखाने का जो pressure है, देखते हैं कैसा निकलता. ये तो थे कुछ चुनिंदा लोगों के नाम इनके साथ साथ इस रेड कारपेट पर बॉलीवुड के कई और सितारे भी नजर आए और हम तो यही कहेंगे कि ओवरऑल स्टार स्क्रीन्स की ये शाम बड़े ही मजेदार रही लेकिन बाहर का नज़ारा तो हमने आपको दिखा दिया जल्द ही स्टार स्क्रीन अवार्ड्स की अंदर की खबरें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे